डॉक्स को डाउन कर चुके हैं। टीम मेगा स्टार्स की स्क्वाड काफी ज्यादा दिक्कत में, सातवें टॉप 8 पोजीशन पे आ चुकी है ऑलरेडी। जेम्स सोनिम को यहाँ पे दलजीत फिनिश ऑफ करते हुए, पीएच के जीब्रा ने यहाँ पे क्लच गॉड को स्पॉट कर लिया डीपी के द्वारा, बहुत ही प्यारा स्प्रे देते हुए। पीछे से यहाँ पे जॉनथन और जी गॉड यहाँ पे उनके ऊपर काउंटर स्प्रे देते हुए यहाँ पे अच्छा खासा कवर कर रहे। स्लेयर का यहाँ पे नेट जाता हुआ घातक को नॉक करते हुए, आइकॉनिक का नेट जाता हुआ क्लच गॉड को नॉक करते हुए, स्लेयर यहाँ पे जी गॉड को नॉक कर चुके। टीएसएफ एनटीटी की पूरी स्क्वाड काफी ज्यादा दिक्कत में, आई गेस लास्ट प्लेयर यहाँ पे जॉनथन रहेंगे। देखते हैं पावर हाउस की आइकॉनिक यहां पे क्लच गॉड को फिनिश कर देंगे, स्लेयर घातक का जो किल है वो फिनिश कर देंगे, एंड स्लेयर फाइनली जॉनथन को भी फिनिश कर देंगे। तो फाइनली जिसका वेट कर रहे थे तो आज आई थिंक मेरे मुंह में घी शक्कर, क्योंकि मैं जिस टीम के आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा परफॉर्म करे वो अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए चैट। एंड देखते हैं यहां पे टीम आईएनडी के प्लेयर्स 5 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस गेम में वो जो कंसिस्टेंसी लैक कर रहे थे वो शायद आ चुके हैं, 5 किल्स के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। बट आई एम रियली वेटिंग कि अगर क्या टीम मेगा स्टार्स की स्क्वाड यहां पे हो चुके, नहीं टीम नंबर 10 के अभी भी प्लेयर सर्वाइविंग कर रहे हैं, यहाँ पे उनका फाइट भी चल रहा है, इनको जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। बट आई थिंक देव मेड इट टू द पोल पोजीशन यहाँ पे। आई थिंक अगर एक टॉप 4 फिनिश भी ले लेते हैं तो आई थिंक उनके पास उतने किल्स हैं उसके नाम पे यहाँ पे आज $700 घर ले जाएंगे। बट देखते यहाँ पे ऑरेंज रॉक के दलजीत का बहुत ही बेहतरीन नेट जाता हुआ आतंकी को नॉक कर चुके। रेगुलर टॉस और वाइपर अभी भी अपने स्क्वाड की तरफ से जिंदा है, बिल्कुल भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखा रहे क्योंकि अच्छा खासा कवर है जोन के अंदर भी। दलजीत ने यहाँ पे आतंकी के ऊपर दूसरा नेट फेंक के यहाँ पे किल सिक्योर कर लिया। टीम ऑरेंज रॉक गेटिंग इनटू एक्शन, 5 किल्स ऑलरेडी अपने खेमे में कर रखा है। मेगा के प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे, मेगा के वैक्सी और ऑनकोर को यहाँ पे जोन के अंदर आना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है। पैराडॉक्स को यहाँ पे दलजीत का बहुत ही प्यारा नॉक जाता हुआ, यहाँ पे 3 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है टीम मेगास्टार्स के, बट एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक और फिनिश हो चुके हैं, दैट इज पैराडॉक्स और वैक्सी अभी बाकी है। वैक्सी और ऑनकोर आप जैसे कि देखने को मिल रहा है अपने स्क्रीन में, गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां फूट चुकी हैं, एंड दलजीत ने उनको पिंड रख दिया है। उनको पता है वहां से आई थिंक दलजीत यहां पे उनको निकलने नहीं देंगे। क्रैटोस का पोजीशन भी उनको मिल चुका है, गन शॉट्स यहां पे साउंड्स आ चुके हैं, यहां पे क्रैटोस को नॉक करने की कोशिश रहेगी। आइंडी स्लेयर का बहुत ही उम्दा नॉक मवी की तरफ, एंड दलजीत ने यहां पे क्रैटोस के ऊपर बहुत ही प्यारा ट्रेड फायर नॉक दिया। तो ये एक अच्छा मौका है टीम मेगास्टार्स के पास जोन के अंदर जाने का, स्लेयर ने यहां पे पीएच के डार्क को नॉक कर दिया। तो टीम सारी टीम्स एक दूसरे के साथ भिड़ रही है, एंड ये एक मौका अगर टीम मेगास्टार्स फायदा उठा देती है तो शायद जोन के अंदर अपना जगह बना ले। दलजीत का और एक बेहतरीन नॉक आता हुआ स्नैक्स के ऊपर, मवी स्नैक्स के ऊपर जो केले सिक्योर कर लेंगे। स्लेयर यहां पे पावर हाउस के आइकॉनिक को नॉक करते हुए, एंड देखते हैं ऑरेंज रॉक के एंटो कैस टीम सेल्स के रॉक्स और टीम सेल्स के रेड को फिनिश ऑफ कर पाएंगे। दलजीत का यहां पे फिर से नॉक आता हुआ टीम आईएनडी स्लेयर के ऊपर, तो दलजीत यहां पे बहुत सारे नॉक्स निकाल रहा है। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट डैमेज डीलर्स रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। लास्ट गेम पे यहां पे दलजीत राइजिंग अप टू द ओकेजन, रेड का यहां पे बहुत ही उम्दा नॉक नेड के द्वारा ऑन टुवर्ड्स एंटो, दो प्लेयर्स वहां पे थे। ऑनकोर यहां पे जोन के अंदर किसी भी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हीलिंग्स नहीं थी, बट दलजीत ने वहां पे स्पॉट कर लिया। अनकोर यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, प्ले जोन से यहां पे अनकोर फिनिश हो जाएंगे, बट वैक्सी अभी भी जिंदा है। अगर यहां पे अपनी सारी यूटिलिटीज बैग्स वगैरह डाल दे, नीचे डाल दे, तो शायद यहां पे थोड़ा सा अगर टॉप 5 पे फिनिश कर लेते तो काफी अच्छा न्यूज रहेगा टीम मेगास्टार्स के। मैं किल्स देखना चाहूंगा कितने ऑलरेडी किल्स निकाल चुके हैं। टीम सोल के अभी भी 2 प्लेयर जिंदा है, टीम पावर हाउस की स्क्वाड भी इज बैक इन एक्शन। टीम ऑरेंज रॉक के एंटो को यहां पे दलजीत ने बहुत ही प्यारे स्मोक्स डाल के यहां पे आई थिंक रिवाइव कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दलजीत की वर्सेटैलिटी, यहाँ पे सपोर्ट का भी रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पे अपने टीम के असॉल्टर का भी रोल अदा कर रहे हैं, फ्लैंकिंग भी चाहिए वो भी दे सकते हैं। आई नॉट नो ये प्लेयर और क्या नहीं कर सकता, बट हाउएवर टीम सोल के प्लेयर्स यहाँ पे आई थिंक स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं टीम पावर हाउस के प्लेयर्स को, एंड टीम सोल अभी थोड़े से डिफेंसिव खेलेगी क्योंकि नंबर्स जरूर उनके फेवर में नहीं है। टीम पावर हाउस के चारों प्लेयर्स के पास एक अच्छा कंपाउंड, एक अच्छा कवर है, तो ये जो चिकन डिनर है शायद यहाँ पे टीम पावर हाउस के खेमे में जा सकती है। अगर यहाँ पे चिकन डिनर ले लेते हैं टीम पावर हाउस तो बहुत ही फायदे में जा सकते हैं, एंड आई थिंक जो सेकेंड और थर्ड गेम पे जो लैप्सेस हुए थे वो कवर अप करके टॉप 3 में अपना जगह बना सकते हैं। रीजन बीइंग व्हाई, क्योंकि एमजीजेड बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी, सेम गोज फॉर टीम गॉडल। तो ये 2 पोजीशन के ऊपर नीचे हो सकता है, टीम मेगास्टार्स ने अपना अच्छा एक जगह बना लिया है, काफी ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पे मवी को नॉक करते हुए सेल्स के रॉक्स, तो वैक्सी जितना ज्यादा खुश होंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ आप भिड़ लो, मैं अकेले रहूंगा लास्ट तक, एटलीस्ट टॉप 3 अगर भी निकाल भी देता तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स की स्क्वाड का यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट चलते हुए, आई थिंक ऑरेंज रॉक के साथ भी फाइट ले रहे, पावर हाउस के साथ भी फाइट ले रहे, दलजीत यहाँ पे प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेगास्टार्स के वैक्सी को स्पॉट आउट कर दिया, बट 5th पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है।
बट आई जस्ट होप उनके किल्स ज्यादा हो, तो बहुत यहाँ पे सबकी सांसें रुकी हुई हैं क्योंकि जो कंपटीशन वाली स्क्वाड्स थी वो तो ऑलरेडी निकल चुके, बट क्या इस गेम में टीम पावर है उसकी स्क्वाड, अगर एक चिकन डिनर मार लेती है, अगर एक अच्छा खासा पॉइंट्स आ जाते हैं उनके तरफ तो शायद मेगास्टार्स के लिए दिक्कत हो सकता है। बट देखेंगे, अभी चार टीम्स हमारे यहाँ पे बची है, दो जोन से यहाँ पे दिलजीत नॉकआउट हो चुके, ज़ेब्रा के यहाँ पे बेहतरीन नॉक आता है, सेल्स के रॉक्स की तरफ मवी भी यहाँ पे जोन से नॉकआउट हो चुके, रेड के ऊपर बहुत ही प्यारा स्प्रे जाता हुआ एंटो का, इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ करा, बट डार्क ने वहां पे आई थिंक रेड को जो है किल सिक्योर कर दिया। आई थिंक डार्क नहीं वन जिन्होंने किल लिया, मुझे लगा एंटो का क्योंकि वो एनिमेशन में हम लोग को ऐसा दिखा, बट एंटो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। एंड तीन टीम्स यहाँ पे बचे, टीम पावर हाउस, टीम सोल और टीम ऑरेंज रॉक के एंटो, एंटो यहाँ पे जोन के द्वारा फिनिश ऑफ हो चुके। तो फाइनली टीम सोल मेकिंग द टॉप थ्री येट अगेन, एंड इवन सोल, हमने सोल को कैसे डिसरिगार्ड कर लिया, अभी भी ये लोग भी अलाइव है तो इनको भी काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ज़ेब्रा का बेहतरीन नॉक आता हुआ वाइपर की तरफ, एंड इसी के साथ आई थिंक रेगल टॉस के ऊपर आराम से पुश कर जाना चाहेंगे, काफी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी कॉन्फिडेंट है, एक प्लेयर ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, रेगल टॉस अकेले बचे हैं, एंड आई थिंक टीम ऑफ पीएच वो काबिलियत रखती है कि आराम से एक वन बी यू नो आराम से एक 3v1 का सिचुएशन क्लियर कर लेगी, और इसी के साथ एक चिकन डिनर भी अपने खेमे में ले लेगी 7 किल्स के साथ। टीम पावर हाउस इज योर विनर फॉर गेम नंबर 4 इन डे 3। सेकंड पोजीशन पे टीम सोल की स्क्वाड विद 3, 4 और 5 किल्स, तो काफी अच्छा खेली सारी स्क्वाड ने। टीम ऑरेंज रॉक के दिलजीत का आप देख सकते हो 8 किल्स यहाँ पे इस गेम में चटका है, तो दिलजीत डेफिनेटली यहाँ पे टॉप फ्रैगर रहेंगे इस मैच के। एंटोनिया